तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं हो मेरा यकीन, मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहां हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहां हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहां हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहां, न मुझको खबर न तुझको पता। ओ हो हो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। एक नए ब्लॉग में, जो कि थोड़ा सा रेसिपी ब्लॉग होने वाला है। थोड़ा सा मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंकिता अपना घर दिखाओ, तो मैं हमेशा ही उनको रिप्लाई करती हूँ कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब ये अभी नहीं कब तक चलने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक एक पार्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा वॉशिंग एरिया क्या है, लॉन तो आप लोगों के साथ कई बार मैंने शेयर किया है, लॉन में हम लोग अक्सर बैठते थे, बहुत टाइम स्पेंड किया है। अभी अब गर्मियाँ आ गई हैं तो पता नहीं कितना यहाँ पर टाइम स्पेंड होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स लगे हैं और मच्छर बहुत हो जाते हैं, और गर्मियों में तो बाप रे फ्री का खून चूसने उनको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं उत्कर्ष के साथ आधे घंटे तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे घर में इतनी डस्ट आती है ना कि मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगी ना तो आप लोग कहोगे कि यार थोड़ा सा डस्ट क्लियर कर लो, लेकिन एवरी डे क्लीन होता है, एवरी डे। हम मैं जैसे डस्ट का काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं जिस टाइम पे नल आते हैं ना, पाइप लगा के सब चीज़ें धुल देती हूँ एक बार कि चलो डस्ट बैठ जाए, बह जाए। लेकिन एक से डेढ़ घंटा होता है और जब मेरा यहाँ बैठने का टाइम आता है तो ऐसे अगर आप ऐसे किसी चीज़ पे उंगली से ऐसे चेक करोगे ना तो डस्ट आपको नजर आएगी। अब इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, क्लीन होने के बाद सारा वाइप आउट कर देती हूँ और एक बार वो लंबा वाला जो खड़े वाला पोछा आता है, मैं वो वाला लगा के उसको क्लियर कर देती हूँ। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैं एवरीडे अपने प्लांट्स धुलती हूँ, एवरीडे स्प्रे बॉटल से उनकी पत्तियों को क्लीन करती हूँ, और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो किसी जंगल में खड़े हैं, क्योंकि इतनी मिट्टी इतनी धूल उनके ऊपर होती है। तो यहाँ पर डस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन घर बहुत बड़ा है, हवादार है, उजेला है, तो मैं एक एक पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी, और एक साथ में सारा इसलिए भी नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ये लॉन तो आपने देखा हुआ है, देखो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले धुला था और इसकी क्या हालत हो गई है, फिर से इस पे डस्ट नजर आ रही है। ये है मेरा वॉशिंग एरिया और यहाँ देखिए इतने बड़े बड़े जंगले लगे हुए हैं और यहाँ से काफ़ी हवा और धूप आती है अच्छी खासी, कपड़े यहीं पे सूख जाते हैं। अभी मैंने रस्सी लगा के रखी है, अब मैं स्टैंड मंगाने वाली हूँ यहाँ के लिए, क्योंकि रस्सी ना पूरे प्लांट फिर ख़राब दिखने लगते हैं, ये एरिया बड़ा ख़राब दिखता है। और ये वॉशिंग मशीन है, यहीं पास में लगा हुआ बाथरूम है एक पूरा फुल, इसी में गीज़र वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और इसी के ठीक सामने ये पूरा एक लॉन है जहाँ पे उत्कर्ष खेलते हैं, इनके सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, बैट बॉल, और यहीं पे इनके चाचू जो है अपना वर्क करते हैं, जो कुछ सोने चांदी की रिपेयरिंग या कुछ इस तरह का कॉर्नर होता है ना ज्वेलरी शॉप में, वो यहाँ पे बना के रखा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्मेल वगैरह आती है, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ये हटा के यहाँ पे रखा है। सामने ही दो रूम लगे हुए हैं जो गेस्ट रूम है, और ये हमारे घर का सबसे ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, ये मम्मी पापा जी ने बनवाया हुआ था। ये लॉन बाद में मैंने कवर करवा दिया है, तो बस आज यही पार्ट दिखाऊंगी। और नॉइज़ पोल्यूशन इतनी होती है कि मैं सोचती हूँ कि एक जगह आप बैठ जाओ स्थिरता से और उसके बाद आपको जो बात करना है कर लो, मैं घूम घूम के नहीं कर पाती हूँ, उसमें भी मेरा ध्यान भंग हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि अपनी बातें इत्मीनान से आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्या सोचती हूँ, वो सारी चीज़ें। तो मैंने ये उत्कर्ष का रूम चुना हुआ है, एक तो यहाँ नेचुरल लाइट मुझे मिल जाती है, आप देख ही रहे हैं समय, सिर्फ सामने की खिड़की खुली हुई है, और यहाँ पूरे मतलब 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बहुत अच्छी रोशनी रहती है, बहुत मन लगता है हमारा इस कमरे में। लेकिन गर्मियों में यहाँ पे मेरे प्राण सूखते हैं क्योंकि बहुत गर्म होता है, और इसके बाद हम अपने कमरे में भाग जाते हैं, वहाँ कूलर वूलर चला के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मम्मा बेटू का तो ऐसे रूटीन चलता है, तो इसमें हम क्या शेयर करें आपके साथ, कितना लंबा क्या ही शेयर करेंगे। और उत्कर्ष के एग्जाम्स चल रहे हैं तो इनकी पढ़ाई रिविज़न कराना ये सारा भी पूरा का पूरा भार मेरे ऊपर है। बच्चों को तो हमेशा यही लगता है ना कि हाँ इनका सब तैयार है, उसके बाद पोल खुलती है।
हालांकि मौसम ऐसा हुआ है ना कि मैं भी जब इसको पढ़ाने बैठती हूँ तो मुझे हल्की हल्की नींद आने लग जाती है, लगता है थोड़ी देर सो ले, और वो थोड़ी देर 2-2.5 घंटे में कब बदल जाता है मत पूछिए। इसलिए मैं उस टाइम पे ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि उसमें मैं खुद भी एक्टिव रहूँ, क्रिएटिव रहूँ, और सोने वाला टाइम जब निकल जाए तब मैं इसको पढ़ाऊँ, क्योंकि ये मैं सोई और ये सोया। बस मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं बोलती हूँ बस 10 मिनट मम्मा लेट रही है, बेटा तुम मत सोना, मैं 10 मिनट बाद उठ के देखती हूँ ये मेरे बगल में चिपका सोया मिलता है, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, मुझे अजीब सा कोजी कोजी सा मौसम लग रहा है। खैर छोड़ो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं पलट के अपने ब्लॉग्स देखूंगी ना तो मेरे साल भर के ब्लॉग में मुझे हमेशा कोजी कोजी ही लगता रहेगा। तो छोड़िए, आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर सॉस, क्योंकि ये एक गर्मियों के दिन जो ऐसे होते हैं जिस टाइम पे मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, चटर पटर भी, और थोड़ा सा ये सारे टमाटर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती हूँ। आंवला, ये खटाई, इस तरह की जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं गर्मी के दिनों में आराम से इस्तेमाल कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं करता। तो मैंने सोचा कि सॉस वगैरह बना के रख लें, हम लोग अक्सर आलू की टिक्की बनाते हैं या सूजी की टिक्की बनाते हैं, घर में जो भी ब्रेड पकौड़ा या जो भी कुछ हम बनाएंगे उसके साथ के लिए सॉस तो लगेगा, सॉस या चटनी। चटनी तो डेली बन जाती है, चाहे वो पुदीने की हो, आम की हो, या फिर धनिया की हो, लेकिन सॉस एक बार बना के मैं रख लेती हूँ 1-1.5 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो वही रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। पर चढ़ा दिया है ढककर, हम इन्हें उबाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे टमाटरों का छिलका अलग हो गया है, मतलब कि ये अब उबल चुके हैं, तो इन्हें हम अलग एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई टमाटर रह गया है अभी और थोड़ा बॉयल होना चाहिए तो आप उसे और पका लीजिएगा। दोस्तों सभी टमाटर अभी काफी गर्म है, इन्हें किसी छरिए की सहायता से आप अच्छी तरह से मैश कर लीजिए ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इन्हें छान लेंगे। दोस्तों बड़ी प्याज काट लेते हैं दोस्तों, और कुछ लहसुन के टुकड़े हम इसी में उबाल लेंगे। 2 बड़ी हरी मिर्च मैं ले रही हूँ यहाँ पर, जिस बर्तन में हमने टमाटर उबाले थे उसी गर्म पानी में उसी बर्तन में हम इन्हें भी उबाल लेंगे। दोस्तों हमारे प्याज लहसुन मिर्ची जो है अच्छी तरह से उबल गए हैं, अब हम इन्हें उन्हीं टमाटरों के साथ ऐड कर देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। दोस्तों ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें थोड़ा सा हम और मैश कर लेते हैं ताकि इनका जूस अलग निकल आए और गूदा अलग हो जाए। मिक्सर में हम इसे पीस लेंगे और एक छलनी में डालकर इसे हम छान लेंगे। जिस बर्तन में हम सॉस चढ़ाएंगे गैस पर उसी में डायरेक्ट हम इसे छान लेंगे दोस्तों, और आग पर पकने के लिए चढ़ा देंगे। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। एक कटोरी भर के मैंने चीनी ले ली है जो मैं इसमें डालूंगी। चीनी इसमें पड़कर अभी घुलेगी तो ये हमारा जो जूस है ये और अभी लिक्विडी होगा। बीच बीच में हमें इसे लगातार चलाते रहना है दोस्तों। अब मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, लाल मिर्च, काला नमक और साधारण नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं दोस्तों, आपके पास जीरा नमक वगैरह हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे दोस्तों, ये लगना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों लगातार पकाते पकाते जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो रही है और हल्का हल्का कलर में भी अंतर आ रहा है, आप देख सकते हैं। गैस की फ्लेम आप धीमी ही रखिएगा दोस्तों, तेज गैस में जो नीचे लगा हुआ है वो जलने लग जाता है और उससे स्वाद भी बिगड़ जाता है। धीमी आंच पर इसे पकने दीजिएगा और बहुत स्वादिष्ट सॉस बनकर तैयार होता है दोस्तों, बिना प्रिजर्वेटिव ये हम 1 महीने तक रख सकते हैं। सॉस तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है दोस्तों, और उनके टिफिन में या सुबह शाम के नाश्ते के साथ हम इसे आसानी से सर्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा टमाटर सॉस बनकर एकदम तैयार हो गया है, इसे ठंडा करके आप किसी कांच के शीशे में भरकर रख सकते हैं। 1 किलो टमाटर से इतना सॉस बना है, और एक बार उत्कर्ष के एग्जाम हो जाए तो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाऊंगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मम्मी लोगों के जीवन में कभी निश्चिंतता आती है, क्योंकि समर का इतना सारा वर्क मिलता है। अभी तो फिर से स्कूल रीओपन हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बच्चे प्रोमोट होंगे, उस टाइम पे उनको थोड़ा बहुत पढ़ा के फिर मैडम ढेर भर होमवर्क देती हैं। लेकिन मेरे जो टारगेट्स होते थे ना कि इसको थोड़ा सा म्यूजिक सिखाऊं, थोड़े मंत्र वगैरह उस टाइम पर सिखाऊं, वो प्रेशर की वजह से मेरा खुद लूज हो जाता है कि यार इतना सारा है अब इसी को लर्न करा दूं। मेरे घर में मेरे भाई मुझे अभी भी टोकते हैं कि तुम्हारा बच्चा अच्छा गेन करता है, तुम उसे ये सिखा दो, वो सिखा दो, वो सिखा दो, और मैं यही सोचती हूँ कि उसे सिखाने के लिए मुझे कितना लगना पड़ता है और इसको खुद भी पढ़ाई का कितना प्रेशर है। तो पता नहीं मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, क्या करूँ, इसी सोच में, इसी उधेड़बुन में पूरे हर दिन एक एक करके निकला जा रहा है। तो इस बार सोचा तो है, देखो क्या मैं कर पाती हूँ, कितना कर पाती हूँ। आप लोग तो हैं ही मेरे साथ, हमेशा मैं शेयर करती रहूँगी। तो अपनी आज की इन्हीं छोटी छोटी सी बातों के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।